मेरी मनोज पान साहब के नाम से दुकान है के एम सी हॉस्पिटल के बगल में। मैंने UPPCS जे एग्जाम में रैंक 1 सिक्योर किए। शिक्षा किसी की मोहताज नहीं होती, लगन और मेहनत का जज्बा हो तो सफलताएं भी घर और स्थान से निकल सकती हैं। ये साबित कर दिया है कानपुर की निशी गुप्ता ने। जी हाँ, निशी गुप्ता के पिता निरंकार गुप्ता एक पान की दुकान चलाते हैं और पान का व्यापार करने वाले की बेटी निशी ने यूपी में PCS जे टॉप करके पिता का मान तो बढ़ाया है, साथ ही अपनी प्रतिभा को भी साबित कर दिया है। निशी गुप्ता इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में इस परीक्षा को दे चुकी थी, जहां सिर्फ एक एक नंबर से निशी का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मैंने UPPCS जे एग्जाम में रैंक 1 सिक्योर किए। किस तरीके से पढ़ाई करती थी, कुछ बताइए, क्या लगता था कि पापा की इस तरह दुकान की दुकान और आपको लगता था कि आप सभी इसमें काम करेंगे? नहीं, एक्चुअली मेरे घर में पढ़ाई का माहौल हमेशा से था, मम्मी पापा ने हमेशा से पढ़ाई का माहौल बना कर रखा था, तो मुझे एज सच पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं थी। और जब मैं लॉ स्कूल में थी तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं जुडिशरी का एग्ज़ाम दूंगी। मैंने रैंक 1 तो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरी रैंक 1 आएगी, मगर हाँ मैं इस तरीके से प्रिपेयर करी थी कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और अभी मैं बहुत ही लकीली मेरी रैंक 1 आ गई है, मैं बहुत खुश हूँ। इसका क्रेडिट मैं मेरी फैमिली को देना चाहूँगी, सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, मेरे फैमिली, उन्होंने पूरे मेरी जर्नी के दौरान मुझे सपोर्ट किया है। इसके अलावा मैंने अलाहाबाद में परीक्षा मंथन जुडिशियल क्लासेस से कोचिंग की थी, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। और मैं मेरे फ्रेंड्स को इसका श्रेय देना चाहूँगी क्योंकि वो भी पूरी जर्नी के दौरान मेरे साथ थे। तो जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में रहता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो हर स्टेज पर डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहती है, तो एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही मैं अपना रूटीन तय करती थी, उस हिसाब से मैं पढ़ती थी। निशी शुरू से ही पढ़ने में तेज थी, इसीलिए 10वीं में जहाँ फातिमा कॉन्वेंट स्कूल से उन्होंने 77% अंक हासिल किए, तो वहीं 12वीं में उन्हें 92% अंक मिले। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB की, फिर 2020 में LLM की पढ़ाई शुरू की और आज उत्तर प्रदेश में PCS जे परीक्षा में उन्होंने अपना डंका बजा दिया। निशी के पिता बेहद खुश हैं, वो बताते हैं। मेरी मनोज पान साहब के नाम से दुकान है KMC हॉस्पिटल के बगल में, और बेटी पढ़ रही थी फातिमा कॉन्वेंट में, हाई स्कूल इंटर वहीं से किया है, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, LLB, फिर 2 साल LLM किया, PCS जे का एग्ज़ाम पास किया है। ठीक थी, लेकिन ये उम्मीद, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया टॉप हो जाएगी। अरे अब कुछ बयान नहीं कर सकते। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको बता दें कि आयोग ने 10 टॉपर्स की भी सूची जारी की है। PCS जे 2022 में कानपुर के निशी गुप्ता टॉपर बनी है, प्रयागराज के शिशिर यादव को दूसरा स्थान मिला है, जबकि कासगंज की रश्मि सिंह तीसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रांतीय सिविल सेवा न्यायपालिका परीक्षा यानी PCS जे का आयोजन सिविल जज की भर्ती के लिए किया था। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, UP तक।